हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ की हड्डियों गुड्डियों की रेसिपी, जो कि बहुत अच्छी बनती है और पाए की तरह ही होती है, और आप पाए भी इसी रेसिपी से बना सकते हैं और मटन की हड्डियों गुड्डियों भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपियाँ देखने को मिल सकें। हड्डियों गुड्डियों के लिए हमें चाहिए हड्डियाँ गुड्डियाँ, मैंने 1 किलो ली हैं। प्याज लिए इसमें दरमियाने साइज़ की, मिर्चें, हल्दी, नमक, तेज़पत्ता और गरम मसाला साबित, और लहसुन अदरक डलेगा थोड़ा सा, और पानी डाल के हम इसको गलाने के लिए रख देंगे क्योंकि गलती बहुत देर में है, तकरीबन 3 से 4 घंटे लेती हैं। अब ये मैंने सुबह चढ़ाई थी। अब ये तमाम मसाले, लेकिन ये कम मकदार में डालेंगे थोड़े थोड़े, ताकि हड्डियों में इसका मिर्ची और इसका जायका आ जाए अच्छी तरीके से। फिर इसमें ज़रा सा लहसुन अदरक डालेंगे, और इसमें तकरीबन 2 जग पानी डाल के हम इसको गलाने के लिए रख देंगे। ये काफ़ी देर में गलेंगी। अब इनको हमने गलाने के लिए रख दिया। अब ये काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, 1.5-2-3 घंटे 4 घंटे लगे इनको गलाने में मुझे ना। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ये गल चुकी है। अब हम इसका मसाला जो है वो अलग 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 से भूनेंगे। अब उसके लिए हमें चाहिए दही, प्याज और छोटी इलायची, प्याज में डालेंगे 1 से 2 अदद, और लहसुन अदरक, ऑयल चाहिए इसमें, नमक, हल्दी, वही साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, पिसे हुए धनिए, पिसी हुई मिर्चें और जायफल जावित्री। ये ज़रा सी डलेगी, ज़्यादा नहीं। अब हम एक पैन में वही ऑयल और थोड़ा सा इसमें हम घी भी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट वगैरह अच्छा आता है। अब इसमें ऑयल डालेंगे हम। ऑयल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा ही ऑयल अच्छा लगता है। मेरी अम्मी बनाती हैं तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा डालती हैं। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, इसको ब्राउन करके हमें निकालना है। ख्याल ये रखिएगा ये जले ना, प्याज ब्राउन होते हुए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, अगर जल गई तो सालन पूरा जायका ख़राब हो जाता है। तो सारी तवज्जो आपको प्याज पर रखनी पड़ेगी कि ये जले ना, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर होगा इसका तो बहुत अच्छी क्रिस्पी होनी चाहिए। अब हम एक प्याला लेंगे, उसमें दही डालेंगे। 1 पाव मैंने दही लिया है, लेकिन इसको थोड़ा आप कम ही लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच रोके हैं बस। अब इसको हम पहले फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से फिट जाएगा तो फिर हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 चमचे लहसुन अदरक के डालेंगे भर के। बाकी मसाले, हल्दी इसमें कम डालेगी, गरम मसाला डालेगा, नमक हमने बॉईल करते हुए भी डाला तो इस बात का ख्याल रखिएगा, पिसे हुए धनिया हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए हैं, और मिर्ची भी मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि चटपटी अच्छी लगती है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक हमारी प्याज भी ब्राउन हो रही है। अब ये ब्राउन होने वाली है हमारी प्याज। अब ये तकरीबन फ्राई होने के करीब करीब है। बहुत से लोगों की प्याज ब्राउन नहीं होती, लेकिन मेरी बड़ी अच्छी हो जाती है, तो ये
कि आप हाथ से इसको तोड़ सकती हैं आराम से। चूरा चूरा हो जाएगी, देखें ब्राउन हो चुकी। अब हम इसको निकाल लेंगे। भाई ये गोल्डन कलर होना चाहिए प्याज का, जिससे सालन भी खुश रंग बनता है, वरना तो काला काला बनेगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। इसको ऑयल को अच्छी तरीके से निकाल के फिर आप निकालिएगा। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड करेंगे जो मिक्स करके मैंने रखे हुए थे। और ऑयल इसमें ज़रा वो पानी थोड़ा इसमें कम डलेगा, क्योंकि वो दही भी अपना पानी छोड़ेगा। अब हम मसाले को उसको भुनने के लिए रखेंगे, और इतना भुनेंगे जब तक इसमें दाना नहीं बन जाए। इसको हम जब तक भुनेंगे, ये जब तक भून रहा है इसको खूब अच्छी तरीके से भुनेंगे। आप प्याज देख लें कैसी हो रही है। अभी इसको ज़रा खुश्क होगी, अभी गर्म है, जब ठंडी होगी तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। क्या आप इसको हाथ से चूरा आराम से कर लेंगे। ये पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी जायफल या कचरी छोटा सा पीस लेंगे हम जायफल का, थोड़ा सा पीस लेंगे हम जायफल का, और इसको हम अच्छी तरीके से इमाम दस्ते में पीस लेंगे। अब देखें ये भूनने पे तकरीबन आ रहा है। अब जायफल जब तरीके हम थोड़ा पीस लेंगे। अब देखें ये हाथ से चूरा हो रही है, ये इतनी क्रिस्पी हो चुकी है ठंडी होने के बाद। लेकिन मैं इसको इमाम दस्ते में पीसूंगी, थोड़ा सही पीसी जाएगी, क्योंकि शोरबे वाला सालन है तो उसमें कोरमे में हाँ मैं हाथ से चूरा करके फिर डालती हूँ। आप इसी तरीके से पाए भी बना सकते हैं बीफ के और मटन के, बहुत लजीज और बहुत टेस्टी बनते हैं। ये मेरी अम्मी की तरकीब है, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। इसको अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे। अब ये भूनने पे आ चुका है। पांच मिनट और लगेंगे इसको भूनने में।
अब मसाला भून चुका है, देखिए आप दाना आ गया इसके अंदर। इसका मकसद ये कि ये बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब ये भून गया है तकरीबन, अब इसको हम रखेंगे साइड पे। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा, ये बल्कि भून चुका है अच्छी तरीके से, ये हमारी हड्डियाँ कुड्डियाँ जो हमने गला के रखी हैं, अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये गली हुई है अच्छे तरीके से। अब इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती हैं, खूब खाई जाती हैं। अभी तो ठंडा मौसम है, ज़रा हल्की हल्की सर्दी है कराची में, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें तमाम मसाला डाल के इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट रखेंगे, ताकि मसाला जो है वो हड्डियों में जब्स हो जाए अच्छी तरीके से। अभी तमाम मसाला मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। जब तमाम मसाले हम इसमें डाल के चला लेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसमें हम डालेंगे, अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, अब मैंने इसमें प्याज डाल दी जो मैंने ब्राउन करी थी। ये तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच डलेंगे इसमें। अब इसको हम अच्छे तरीके से चला के, और ये चायपत्ती पत्री 2 से 3 पिंच डालेंगे हम खुशबू के लिए। अब हम इसको 10 से 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब देखें आप इसको, ये अच्छी तरीके से पक गई है, ये देखिए इसका शोर को बस। अब हम इसको चूल्हा बंद करके, ये हड्डियाँ गुड्डियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। ये आप खाएं तंदूर की रोटी के साथ तो ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।